हेलो फ्रेंड्स, मैं मंदीप स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में 34 साइज़ का 3 पीस प्रिंसेस कट ब्लाउज़ का फुल कटिंग मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी डिटेल में। तो देखिए, कुछ समय पहले मैंने आप लोगों के साथ ये बैक नेक डिज़ाइन शेयर किया था, इसी का मैं फ्रंट पार्ट आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अगर आप इस बैक नेक डिज़ाइन का कटिंग एंड स्टिचिंग देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दी हुई है मैंने, आप लोग देख के बना सकते हैं। और यहाँ पर देखिए, बैक पार्ट की टोटल लेंथ रखी थी मैंने 14.5 इंच, 13.5 लेंथ मुझे इसकी तैयार रखनी थी। तो आप जब भी अपने ब्लाउज़ की कटिंग करेंगे तो लंबाई आप अपने हिसाब से लीजिएगा। बैक पार्ट में आपको जितनी भी लेंथ तैयार रखनी है उसमें 1 इंच मार्जिन का प्लस करके लीजिएगा। फ्रंट पार्ट की कटिंग के लिए हम कपड़े को इस तरीके से फोल्ड करके रखेंगे, और आप खुले भाग से भी ले सकते हैं और बंद भाग से भी कपड़े को फोल्ड करके ले सकते हैं। फ्रंट ओपन 3 पीस प्रिंसेस कट ब्लाउज़ का कटिंग हम यहाँ पर कर रहे हैं। तो देखिए, इसमें बेल्ट लगाएंगे हम, तो बेल्ट जब भी आप अपने ब्लाउज़ में लगाते हैं तो आपको नीचे से 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है। जब भी आप बेल्ट ब्लाउज़ बना रहे हैं तो टोटल लेंथ में उसमें 1 इंच आपको प्लस करके यहाँ पर लेना है। 1/2 इंच मैंने देखिए इस तरफ से लिया है हाई हुक की पट्टी के लिए, ये भी आपको फ्रंट ओपन ब्लाउज़ में लेना है। 1/2 इंच लिया है और नीचे लंबाई में 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है। अब हमने जब बैक पार्ट की टोटल लेंथ जितनी रखी थी कटिंग करते समय, उतनी ही लेंथ आपको यहाँ पर ले लेनी है। मैंने रखी थी 14.5 इंच, तो 14.5 इंच मैंने यहाँ पर लेंथ को ले लिया है, ये देखिए इस तरीके से। अब हम यहाँ पर शोल्डर का मेज़रमेंट रखेंगे। तो 34 साइज़ में आप शोल्डर 5 इंच भी ले सकते हैं, 1.25 इंच भी ले सकते हैं। मैंने इस डिज़ाइन में बैक पार्ट में शोल्डर रखे थे 1.25 इंच, तो मैंने यहाँ पर 1.25 इंच ले लिए हैं। और आर्म होल लिए थे 5.5 इंच, तो आर्म होल लिए हैं 5.5 इंच, शोल्डर लिए हैं 1.25 इंच, आर्म होल लिए हैं 5.5 इंच, 5.5 इंच, और चेस्ट का 4th पार्ट यहाँ से आपको ले लेना है, चौथा भाग ले लेंगे। तो 34 का चौथा भाग यहाँ पर होगा 8.5 इंच, और 1.5 इंच मैंने एक्स्ट्रा रखा है मार्जिन। मार्जिन आपने अपने बैक पार्ट में जितना रखा था उतना ही आपको यहाँ पर भी लेना है। और आर्म होल की गोलाई मैंने कर दी है। कटिंग करते समय थोड़ा सा गहराई को आप कट कर दीजिएगा, ज़्यादा कट नहीं करना है क्योंकि डीप नेक में हम ज़्यादा गहराई नहीं देते हैं। और नीचे से कमर का 4th पार्ट लिया है, कमर है 28 इंच, उसका चौथा भाग लिया है 7 इंच, और 1.5 इंच का एक्स्ट्रा रखा है मार्जिन। अब देखिए, एक्स्ट्रा पार्ट हमें यहाँ पर ले लेना है। तो यहाँ से ऊपर की तरफ से आप 1 इंच ले लीजिएगा, और नीचे कमर की तरफ से 1.5 इंच आपको एक्स्ट्रा ले लेना है, ये देखिए इस तरीके से। बाकी फिटिंग करते समय जो भी पार्ट एक्स्ट्रा रहेगा उसे हम कट करके निकाल देंगे। तो ये हो गया हमारा ड्राफ्टिंग प्रिंसेस कट ब्लाउज़ का। फ्रंट पार्ट हमने कट कर लिया है, यहाँ पर मार्किंग कर ली है। अब हम करेंगे इसकी कटिंग। कटिंग से पहले मैंने यहाँ पर पिन लगा दी है, तो चलिए अब हम इसे कट कर लेते हैं। इस तरीके से हम कटिंग करेंगे। अब देखिए, हमें यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर मार्किंग करेंगे हम। 1/2 इंच की हमें यहाँ पर गहराई करनी है इस तरीके से। डीप नेक में हम गहराई ज़्यादा नहीं देते हैं, तो देखिए मैंने यहाँ पर सिर्फ 1/2 इंच की गहराई दी है और उससे कटिंग कर दिया है। इस तरीके से कट कर लेना है। अब देखिए, हमें क्या करना है, नीचे से बेल्ट का मेज़रमेंट लेंगे। 3.5 इंच लंबाई में मैंने बेल्ट रखा है आगे की तरफ से, यहाँ से 2.75 इंच लेना है। यहाँ से 2.75 इंच लिया है, और अब हम यहाँ पर इसे हल्के हल्के हाथों से बेल्ट का शेप दे देंगे, देखिए इस तरीके से। बेल्ट का शेप हमने यहाँ पर दे दिया है, और अब हम गले का मेज़रमेंट लेंगे। तो बैक पार्ट में मैंने गले की जो चौड़ाई रखी थी वो लगभग 2 इंच ली थी, तो यहाँ पर भी हमें 2 इंच पर ही मार्किंग करनी है, ये देखिए। नेक विड्थ ली थी 2 इंच, और गले की लंबाई आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। अगर आप छोटा पहनते हैं तो 6 इंच लीजिएगा, और मीडियम पहनते तो 6.5 इंच, डीप पहनते आगे का गला तो 7 इंच लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए, नीचे से गले की चौड़ाई मैंने 2.5 इंच पर ली है और ऊपर से 2 इंच पर ली है। यहाँ पर देखिए, हम पहले एक चौकोर बॉक्स तैयार करेंगे, उसके बाद यहाँ पर गले का शेप राउंड शेप दे देंगे। अगर आप कोई और शेप बनाना चाहें
तो गले का पैटर्न आगे की तरफ आप डिज़ाइन वाला या कोई और शेप भी दे सकते हैं। यहाँ पर देखिए प्रिंसेस कट के लिए मार्क करना है हमें 3 इंच पर, 3 इंच मार्क करेंगे इस तरीके से विड्थ में। ऊपर से टक्स पॉइंट लेंगे हम 9 इंच पर। 3 पीस प्रिंसेस कट में टक्स पॉइंट चेंज करके लेना होता है हमें। 34 साइज में लीजिएगा आप 9 इंच इस तरीके से। यहाँ से लेना है आपको 3.25 इंच, यहाँ से आप 3.25 इंच पे मार्क कर लीजिए विड्थ में और इस लाइन को आप नीचे की तरफ मिला लीजिए इस तरीके से। अब इस लाइन को हम यहाँ पर देखिए टक्स के लिए मार्क करेंगे 1.5 इंच पर। तो यहाँ पर से आपको 1.25 से 1.5 इंच आपको मार्क कर लेना है और इस लाइन को आर्म होल्स तरफ मिला देना है इस तरीके से। हल्के हाथों से प्रिंसेस कट का शेप यहाँ पर दे देना है और अब हम यहाँ पर इसकी कर लेंगे कटिंग। ड्राफ्टिंग हमारी कंप्लीट हो गई है और अब हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। ये देखिए सबसे पहले हम गले को कट कर लेंगे, बीच में से इसे ओपन करेंगे और यहाँ से बेल्ट की भी कटिंग कर लेंगे। साइड से थोड़ा सा बेल्ट हमें कट कर देना है और अब देखिए हम प्रिंसेस कट वाले पार्ट को कट करेंगे इस तरीके से। तो मैंने आप लोगों के साथ इस वीडियो में सिर्फ कटिंग ही शेयर की है। अगर आप स्टिचिंग देखना चाहते हैं तो मैं एक पुराने वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ जिसमें मैंने प्रिंसेस कट की स्टिचिंग भी बताई है, तो उस वीडियो को आप देखकर इसे स्टिच कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो आपको स्लीव्स कट करने के लिए पीछे के पार्ट का आर्म होल नापना है, तो मार्जिन वाला पार्ट छोड़ देना है 1.5 इंच, ऊपर से 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए ये आर्म होल आपको इस तरीके से नापना है। फिर से बता रही हूँ, तो मेरे मेज़रमेंट में आ रहा है 7 इंच, उसमें मैं 1/2 इंच प्लस कर रही हूँ, 7.5 इंच लेंगे हम, क्योंकि जब हम अपने फ्रंट पार्ट की गहराई करते हैं तो वो पार्ट हमारा बढ़ जाता है, इसलिए हमने यहाँ पर 1/2 इंच एक्स्ट्रा लिया है। कपड़े को आपको 4 फोल्ड में इस तरीके से कर लेना है 2 स्लीव्स कट करने के लिए और कपड़े के बंद भाग को अपनी तरफ रखना है। ये देखिए अब हम यहाँ पर टोटल लंबाई ले लेंगे। तो जितनी भी आप पहनते हैं अपने ब्लाउज़ की, अगर आप छोटी पहनते हैं तो छोटी कट कीजिएगा, मैं यहाँ पर बड़ी स्लीव्स बता रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए आप मैं यहाँ पर 11 इंच टोटल लंबाई ली है, आप 10.5 या 9 इंच भी ले सकते हैं। और जो आर्म होल हमने नापा था बैक पार्ट का, वो यहाँ पर ले लेंगे 7.5 इंच। 7.5 इंच जहाँ मार्क किया है वहीं से आपको इसे डाउन करना है। तो डाउन हम कर रहे हैं इसे 3 इंच पर, बड़ी स्लीव से तो 3 इंच पे करेंगे, अगर आप छोटी बना रहे हैं तो 2.5 इंच पे कीजिएगा स्लीव्स को डाउन। हल्के हल्के हाथों से हमें स्लीव्स का शेप दे देना है इस तरीके से। अब देखिए हमें क्या करना है, यहाँ पर आप चाहे तो फिर से नाप सकते हैं 7.5 इंच और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन का। तो हमारा यहाँ पर फिक्स आ रहा है ये, और नीचे का जो बॉटम है मेरा वो 10 इंच है, उसका हाफ लिया है 5 इंच और 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है मार्जिन का। तो स्लीव्स की ड्राफ्टिंग भी हमारी हो गई है। आप सभी साइज़ की स्लीव्स जो है वो इसी तरीके से बैक पार्ट का आर्म होल नाप कर सकते हैं। इस तरीके से स्लीव्स कटिंग करने से स्लीव्स बड़ी छोटी नहीं होती है, एकदम बराबर से परफेक्ट बैठती है। तो अब हम यहाँ पर कर लेंगे स्लीव्स की कटिंग। कटिंग करने के बाद हम इसे खोल कर जो हम आगे के लिए गहराई करते हैं वो करेंगे। फ्रंट पार्ट के लिए गहराई करना है तो सेंटर में कट लगा लीजिएगा और ये जो गहराई है ये भी हम 1/2 इंच की ही देंगे। डीप नेक में हम फ्रंट पार्ट और स्लीव्स में 1/2 इंच ही गहराई देते हैं, ये देखिए इस तरीके से। और जब आप ये गहराई करते हैं साथ ही साथ आप मार्किंग भी कर लिया करें, ताकि स्लीव्स को जोड़ते समय आपको ध्यान रहेगा कि ये वाला पार्ट आपको फ्रंट में ही लगाना है। अब देखिए सारे पार्ट हमारे यहाँ पर कटिंग हो गए हैं, इसके बाद हम इसे मेन फैब्रिक पर रख कर कट करेंगे। तो देखिए सारे पार्ट को हम पिन लगा लेते हैं, इस तरीके से पिन लगा देनी है, अटैच कर देनी है। तो सबसे पहले मैं स्लीव्स की कटिंग करूँगी क्योंकि इस कपड़े पर यहाँ पर वर्क दिया हुआ है। तो सबसे पहले देखिए मैंने स्लीव्स की कटिंग इस तरीके से कर ली है। अगर मेन फैब्रिक पर जॉइंट होता है तो स्टिचिंग से पहले आप इस पर जॉइंट लगा लें स्लीव्स पर। तो मेरी स्लीव्स बराबर से आ रही है यहाँ पर, ये देखिए मेन फैब्रिक है ये। और अब हमने दूसरे पार्ट भी मैंने कटिंग कर दी है। हमेशा आप मेन फैब्रिक जो मेन कपड़ा होता है ब्लाउज़ का, उसे साइड से थोड़ा थोड़ा बढ़ाकर 1/2 इंच बढ़ाकर कटिंग करें, ताकि इसे जोड़ते समय आपको कोई भी परेशानी ना आए। तो देखिए ये सारे पार्ट मेरे यहाँ पर कटिंग हो गए हैं।
इसके बाद मैं आपको हाई हुक की पट्टी भी कटिंग करना बताती हूँ किस तरीके से आपको इसे कट करना है। तो इन्हें हम साथ में रख लेंगे। और ये जो हाई की पट्टी है उसकी लंबाई तो आप अपने ब्लाउज़ जितनी ही लीजिएगा नाप के, जितनी भी आपके हाई की लेंथ होती है आगे के पार्ट की, चौड़ाई इसकी रख सकते हैं आप 3 से 3.5 इंच। और ये जो हुक पट्टी है इसकी चौड़ाई आपको रखनी होती है 2.5 इंच, लगभग 2.5 इंच की चौड़ाई लेनी है यहाँ पर। तो मेरी थोड़ी सी ज़्यादा आ रही है तो मैंने इसे कट कर दिया है। और यहाँ पर देखिए दोनों पट्टियाँ हमारी हो गई है साथ में, इसे पिन लगाकर साइड में रख देते हैं। अब मैं आपको बता रही हूँ कमर की पट्टी, कमर की पट्टी की जो चौड़ाई ली है हमने, नीचे जो बेल्ट के नीचे हम पट्टी लगाएंगे कमर की, उसकी चौड़ाई हम यहाँ पर रखेंगे 1.25 इंच लगभग। और ये जो मैंने ली है गले में लगाने के लिए उरेप पट्टी, इसकी जो चौड़ाई रखी है मैंने वो लगभग रखी है 1.25 इंच। और ये पट्टी गले में लगाने वाली पट्टी आपको तिरछे में कट करनी है, यानी कि उरेप में। तो ये सारे ही पार्ट हमारे कटिंग हो गए हैं। तो फ्रेंड्स, आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा है कटिंग का, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।